अस्सलाम वालेकुम, जुनून न्यूज अजमेर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कुत्सिया हसन। आज हम मौजूद हैं रेस कोर्स पार्क में। यहां पे जश्न बहारा का फेस्टिवल स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका आगाज़ बकायदा कल से कर दिया जाएगा 1 मार्च से। आज हम यहां पे देख रहे हैं इनकी तैयारियां जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत को जो है वो प्रजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, जिसमें हमारे जो हैं कपड़े जो हैं हमारे पाकिस्तान की सकाफत के जो कपड़े हैं, सिंधी बलोची हर तरह के कपड़ों का स्टॉल लगा है। भटूरे लगे हैं खाने के, जो पाकिस्तान जो हमारे लाहौरी हैं जो कि खाने के मामले में बहुत ज़्यादा इसमें मशहूर हैं कि बड़े खाऊ हैं। लाहौर तो वैसे भी लाहौर है, तो लाहौरियों के लिए खाने के स्टॉल भी लगाए गए हैं और ख़वातीन के लिए कपड़ों के स्टॉल लगाए गए हैं और बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। हम आपको दिखाते हैं साथ साथ प्रोग्राम में कि लोग किस तरह यहाँ पर आए हुए हैं और तैयारियाँ दिखाते हैं। लेके चलते हैं आपको तैयारियों की तरफ। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं मौजूद हूँ रेस कोर्स पार्क में, जहाँ पे जो है वो जश्न बहारा फेस्टिवल का जो है आगाज़ हो चुका है। उसकी तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर दी गई हैं। कल से इसका बकायदा जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा। इसकी तैयारियां जो हैं वो मेरे स्वीट से कैमरामैन ने आपको अपने कैमरे में अपनी फोटेज में दिखाई होंगी। यहां पे लगाए गए स्टॉल्स में हमारे सूबे की हमारे पाकिस्तान के चारों सूबों की जो है वो सकाफत को प्रजेंट किया गया है। यहाँ पर जो है वो सिंधी बलोची जो है ड्रेसिस हैं, कपड़े हैं हमारे, उनके स्टॉल लगाए गए हैं। खाने पीने के स्टॉल लगाए गए हैं। मशहूर जो है मेलों में और हमारे फेस्टिवल्स में जो मशहूर जो चीज़ होती है कतलम्मा, वो मैंने टेस्ट किया है, खाया है, बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। आप लोग भी आएँ और इसे खाएं। और यहाँ पे जो मौजूद फेस्टिवल में जो हमें सारी जो सहूलतें दी गई हैं उसे जो है आप आके एंजॉय करें। यहाँ पे बगी की सैर, जो ऊँट की सैर है, बच्चों को उस ज़रूर दिलवाएं। और यहाँ पे मेरे पीछे जो है अभी गन्ने का रोह जो है वो लगा हुआ है, मैं बहुत मुझे प्यास लग रही है। इसके बाद मैं प्रोग्राम के एंडिंग के बाद मैं वही पीने जा रही हूँ। तो आप भी आएँ और यहाँ पर मौजूद हर चीज़ को इंजॉय करें। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें। प्रोग्राम को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह नेकबान, अल्लाह हाफिज़।